हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आजकल मैं मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ। बेंगलोर का तो ट्रैफिक के बारे में पता ही है आपको। शॉपिंग करने निकलना मतलब समझो पूरा दिन गया। आप लोगों ने देखा ही है, हम लोगों का डाइनिंग एरिया काफ़ी खाली खाली सा है। ये एरिया स्मॉल होने के कारण डाइनिंग टेबल हमने 6 सीटर बट साइज छोटा ही रखा है। डाइनिंग एरिया का मेकओवर के लिए 2-3 आइटम्स मैंने आज ऑर्डर किया है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का और एक अच्छी बात है, बहुत कम टाइम में ही डिलीवर हो जाती है। कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टा पोस्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि मेरा रिसेंटली एक माइनर सर्जरी हुआ था। इसके वजह से घर का क्लीनिंग वगैरह बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। क्लीनिंग के लिए परफेक्ट क्लीनिंग टूल होने से क्लीनिंग करना काफ़ी इजी हो जाती है। आप लोगों ने बहुत बार इस फोल्डेबल ब्रश को मेरे ब्लॉग्स में देखा ही है। ये फैब्रिक लाइट कलर का होने के कारण बहुत ही जल्दी गंदे दिखते हैं और इनको क्लीन करने के लिए ड्राई क्लीन ही एक ऑप्शन है, बट फ्रिक्वेंटली ड्राई क्लीन करते रहना भी पॉसिबल नहीं होता है। किचन का क्लीनिंग हो या घर का बाकी जगह का क्लीनिंग हो, मैं ये होममेड क्लीनिंग स्प्रे ही यूज़ करती हूँ। बेंगलोर की वेदर अभी काफ़ी अच्छी है। और ये है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट्स। लिविंग रूम के अकॉर्डिंग मैंने डाइनिंग एरिया के लिए कवर्स ऑर्डर किया है। ये कवर्स के कलर और टेक्सचर दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके नीचे की तरफ ऐसे स्मॉल क्लिप्स भी दिया हुआ है। चेयर के लिए प्रिंटेड कवर्स लिया है। इसका फैब्रिक बेंच के कवर्स से अलग है, बट इसका प्रिंट भी मुझे अच्छा लगा है। ये एम्ब्रॉयडरी हुप्स पहले एक ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है। इन हुप्स को मैंने एंट्री वे के वॉल में डबल टेप यूज़ करके लगाया था, बट थोड़ी दिन के बाद ही ये निकल गए। इसलिए इस बार मैंने बहुत ढूंढ कर इन वॉल हुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इन हुक्स की अच्छी बात है, ये एकदम ही स्मॉल साइज के हैं और ट्रांसपेरेंट है। इनको यूज़ करना काफ़ी इजी है, जस्ट स्टिकर को हटा के इनको वॉल में लगाना है। और अभी हुक को इसमें लगाकर 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। अभी इनको 1 आवर के लिए ऐसे ही रख देना है। नीचे की तरफ इलास्टिक दिया हुआ है, जिससे कवर्स को चेयर्स पे लगाना इजी रहेगा। ऐसे अलग अलग प्रिंट के बहुत सारे चेयर कवर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मुझे सिर्फ चेयर के फैब्रिक एरिया में ही कवर करना था, सो मैंने इस टाइप का कवर ही ऑर्डर किया है। अभी ये चेयर्स क्लीन और अच्छे दिख रहे हैं ना? बेंच का ये कवर का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा है। इसके जैसे फैब्रिक चेयर के लिए नहीं मिला, नहीं तो ये फैब्रिक ही मैं चेयर के लिए भी लेती। छोटी छोटी चेंजेस से ही घर का लुक काफ़ी अच्छे दिखते हैं ना? बीच बीच में घर का स्मॉल चेंजेस करते रहने से ऐसे ही अच्छा लगता है। और 1 आवर होने के बाद इन हुप्स को अभी हैंग कर सकते हैं।
डाइनिंग एरिया का क्विक मेकओवर के बाद कुछ डाइनिंग टेबल डेकोर का सिंपल आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है डेली यूज़ के लिए डाइनिंग टेबल डेकोर के लिए फैब्रिक मैट रखकर उसके ऊपर प्लांट रख सकते हैं। ये सिंपल सा लुक काफ़ी अच्छा दिखता है, साथ में ही डेली टेबल क्लीन करने में भी इजी रहता है। स्मॉल साइज का प्लांट जो भी घर पे अवेलेबल है वही यूज़ कर सकते हैं। ये रियल प्लांट्स घर में और हम लोगों के मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाती है। नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने लिया है एक टेबल मैट, इसको फोल्ड करके छोटा कर लिया है। इसके ऊपर रखा है एक मनी प्लांट, प्लांट के साइड में दो ड्राई फ्रूट्स के ग्लास बॉटल्स और साइड में एक स्मॉल साइज का टी लाइट कैंडल होल्डर। बस हो गया सिंपल सा डेकोर। हमेशा नया कुछ लेने से अच्छा है घर पे ऑलरेडी अवेलेबल चीजों को यूज करके डेकोर करना। ये टेबल रनर मैंने बहुत टाइम पहले होम सेंटर से लिया था। टेबल रनर मार्केट में वैरायटीज मिल जाते हैं, इनको डेली यूज हो या स्पेशल ओकेजन में हो, दोनों में ही यूज करना इजी रहता है। मैं जब छोटी थी मेरे घर के डाइनिंग टेबल में हमेशा मम्मी अचार के जार्स रखती थी। तब मुझे लगता था अचार के जार्स ही डाइनिंग टेबल में रखना है। इस लुक के लिए टेबल रनर के ऊपर एक बेम्बू ट्रे में दो स्मॉल साइज के अचार के जार्स रखा है और ये टिश्यू पेपर से डेकोर किया हुआ कैंडल्स। रियल प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं इनको डेकोर के लिए बहुत यूज करती हूँ। डाइनिंग टेबल के लुक और ज़्यादा अच्छे लगने के लिए टेबल कवर्स भी यूज कर सकते हैं। टेबल के सेंटर में एक वुडन चॉपिंग बोर्ड रखकर उसके ऊपर इस बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखा है और साइड में फ्रूट बास्केट, नहीं तो अचार के जार, और एक ऑप्शन है होममेड लड्डू से भरा हुआ जार भी रख सकते हैं। टी लाइट कैंडल से टेबल का लुक और ज्यादा अच्छा लगता है। ये लास्ट डेकोर के लिए एक प्रिंटेड टेबल क्लॉथ यूज कर रही हूँ। ये डेकोर भी काफी सिंपल सा है। टेबल के सेंटर में एक ट्रे रखा है, इसके ऊपर जो प्रिंट है ये काफी प्रीटी है और इस ट्रे में स्मॉल ड्रॉर्स है। ट्रे के ऊपर रियल प्लांट्स या अचार के जार्स रख के इसको डेकोर कर सकते हैं और ट्रे के दोनों साइड्स में मैंने कैंडल रखा है। ऐसे कैंडल्स घर पे अवेलेबल नहीं होने से टी लाइट कैंडल से भी डेकोर कर सकते हैं। इस ट्रे में कटलरीज इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। डाइनिंग एरिया एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपनों के साथ बैठकर फूड एंजॉय करते हैं। फूड एंजॉय करने के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ कुछ बातें भी शेयर करते हैं। आज के इस ब्लॉग में सिंपल कुछ डाइनिंग टेबल डेकोर आइडियाज आपके साथ मैंने शेयर किया। इन डेकोर में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीक। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।